हेलो स्टूडेंट्स, देखिए कोर लॉस लॉ से रिलेटेड एक एप्लीकेशन हम लास्ट वीडियो में डिफाइन किए थे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का यदि आपने लैम्डा इन्फिनिटी निकालना है या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस का मेजरमेंट करना है तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम पहले वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं। देन सेकेंड इसका एप्लीकेशन अभी आपका टू डिटरमाइन द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, देखिए अब बात आती है कि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट क्या होता है। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है आपके ऐसे सॉल्ट जो कि ट्रेस अमाउंट पे, बहुत कम अमाउंट पे किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व होने की टेंडेंसी रखते हैं और फर्दर डाइल्यूशन पर उनकी सॉल्युबिलिटी में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, सपोज आपने 10 ग्राम किसी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को आपने डिजॉल्व किया एक्वस मीडियम में, ठीक है, एंड 10 ग्राम में से सपोज 0.5 ग्राम इसका बहुत कम अमाउंट डिजॉल्व हुआ, सपोज मान लेते हैं 10 ग्राम में से 0.5 ग्राम इसका डिजॉल्व हो गया, ठीक हो गया ना, एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन तक। ठीक है, देन उसके बाद फर्दर आप इसमें वाटर एडिशन करते हैं, मतलब डाइल्यूशन करते हैं, तो इसके सॉल्युबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। 0.5 ग्राम एक सर्टेन कंसेंट्रेशन पर डिजॉल्व था, तो आपका वाटर कितना ही ऐड कर लो या कितना ही डाइल्यूशन कर लो, 0.5 ग्राम ही आपका डिजॉल्व रहेगा, रिमेनिंग क्वांटिटी अनडिजॉल्व फॉर्म में ही बने रहेगा। कहने का मतलब सॉल्यूशन क्या है, जितना डिजॉल्व होना था एक ही साथ डिजॉल्व हो गया, उसके बाद फर्दर क्या है एक कांस्टेंट टेंपरेचर पर, लेकिन टेंपरेचर वेरिएशन नहीं होना चाहिए, एक कांस्टेंट टेंपरेचर पर कितना ही डाइल्यूशन कर लो उसकी सॉल्युबिलिटी फर्दर इंक्रीज नहीं करती है, ऐसे सॉल्ट कहलाते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है ना, बात समझ आए ना, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट क्या हुआ, जिनका बहुत कम अमाउंट डिजॉल्व होगा पहली बार, दूसरी चीज हमने कहा कि जितना डिजॉल्व होना है एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर ही डिजॉल्व हो जाएगा, उसके बाद फर्दर डाइल्यूशन भी करेंगे तो भी आपका उसके क्या है डिजॉल्व होने वाली क्वांटिटी फर्दर इंक्रीज नहीं करेगा, तो उनको कहा जाता है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। या ये कह सकते हैं कि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट आर दो सॉल्ट ऑफ विच सॉल्यूशन बिहेव्स एज लाइक टू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, मींस कांस्टेंट टेंपरेचर पर कितना ही डाइल्यूशन करो उनकी सॉल्युबिलिटी फर्दर इंक्रीज नहीं करेगी, जितना डिजॉल्व होना था हो गया, उसके बाद फर्दर डिजॉल्व नहीं होगी क्वांटिटी, तो उनको कहा था स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। जैसे इसके एग्जांपल्स हम बात करते हैं AgCl, AgBr, ठीक है ना, BSO4, ठीक है ना, PbSO4, ठीक है ना, ये आपके सारे के हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है ये। ठीक है, तो इन सभी के सॉल्यूशंस को यदि हम बनाएंगे तो इनका बहुत कम अमाउंट या ट्रेस अमाउंट डिजॉल्व होगा और फर्दर डाइल्यूशन करने पर क्या है फर्दर सॉल्युबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो उनको कहते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट और उसका सॉल्यूशन। ठीक होगा ना, इतना तक। देन इसके बाद देखिए जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है भैया, उनकी सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करने के लिए हम कोलराउस लॉ का यूज करेंगे। कैसे, देखें ये एक फॉर्मूला होता है आपका लैम्डा एम सी, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टेंस किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का इक्वल के इनटू 1000 डिवाइडेड बाय लैम्डा, सॉरी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन सी। ठीक है, जैसे आपने सॉल्ट को आपने डिजॉल्व किया, ठीक है, एक्वस मीडियम में डिजॉल्व किया, मान लिया वही हमने कहा 10 ग्राम डिजॉल्व किया, वाटर का एक सर्टेन क्वांटिटी था, ठीक है ना, तो एक्वस मीडियम में आपने इसको डिजॉल्व किया तो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन क्रिएट होगा, वो कंसंट्रेशन सी हो गया आपका। ठीक है, और के क्या होता है आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है। ठीक है ना, के स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है, इसकी वैल्यू होती है के इक्वल टू सी इंटू एल अपॉन ए, ये इसको सेल कांस्टेंट कहते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं k इक्वल टू c को 1 अपॉन r कहते हैं रेजिस्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट x से लिखते हैं इसको। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 आप मान सकते हैं। तो ये जो आपका इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए k है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसको आप कहां से व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड से रेजिस्टेंस निकाल लें एंड कंडक्टिविटी सेल से, जैसे आपने कहते हैं ना, देखिए इसका कंडक्टिविटी सेल का रिप्रेजेंटेशन ये होता है, ऐसे बनाते हैं ये प्लेटिनम के वायर,
प्लेटिनम स्ट्रिप से एडेड, जो कि इलेक्ट्रोड्स का काम करेंगे आपका, ठीक है। देन इसमें आपने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले लिए, ये हो गया इतना तक। तो ये इलेक्ट्रोड्स का क्रॉस सेक्शन एरिया ए और इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस एल, ठीक है ना। एल और ए तो आपका यहां से निकल जाएगा, ये कंडक्टिविटी सेल का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। तो एल दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस कंडक्टिविटी सेल में, और ए क्या हुआ, ईच इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो उन्हीं को एल अपॉन ए को हम क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं। तो वो तो यहां से आपका निकल, एक पर्टिकुलर कंडक्टिविटी सेल के लिए आपका क्या है, एक्स की वैल्यू आपका कॉन्स्टेंट होगा, इसलिए इसको हम सेल कॉन्स्टेंट कह रहे हैं, ठीक है। और वन अपॉन आर में से जो आर की वैल्यू है वो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज या मीटर, जैसे कंडक्टिविटी सेल है इसको मीटर ब्रिज या व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ कनेक्ट करके वहां से हम रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, ठीक है। तो यहां से के तो निकल जाएगा आपका, ठीक हो ना। अब बात आती है, देखिए यहां पे इन द सॉल्यूशन ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के सॉल्यूशन में लैम्डा एम सी इक्वल टू इज अप्रोक्स इक्वल टू लैम्डा एम इंफिनिटी के होता है, ठीक है। क्यों, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर जितना मोलर कंडक्टेंस, ये कहता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर भी लगभग लगभग उतना ही मोलर कंडक्टेंस होगा। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट एक तो बहुत कम क्वांटिटी इसका डिजॉल्व होता है, जैसे 10 ग्राम डाला तो 0.1, 0.2 या 0.4 ऐसी कुछ क्वांटिटी आपका इसका डिजॉल्व होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आप डाइल्यूशन करते भी हैं तो डाइल्यूशन करने पर मैंने कहा कि उसका फर्दर अमाउंट डिजॉल्व नहीं होता है, जितना डिजॉल्व होना था इनिशियली हो गया पर्टिकुलर सी कंसंट्रेशन पर, उसके बाद आप कितना ही डाइल्यूशन कर रहे हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी कर देंगे तो भी आपका क्या है, जितना आपका क्या है डिजॉल्व इनिशियली हुआ था उतना ही रहेगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लिया 10 ग्राम डाला, 4 मॉलिक्यूल आयनाइज्ड हुए या डिजॉल्व हो गए, इसमें 4 मॉलिक्यूल डिजॉल्व हुए तो आपका इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर भी 4 ही मॉलिक्यूल डिजॉल्व रहेंगे, ठीक हो गया। तो आपका क्या होगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर भी उतना ही डिजॉल्व है जितना की एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे था। तो नंबर ऑफ आयन सॉल्यूशन के अंदर लगभग लगभग उतने ही होंगे जितना की सी कंसंट्रेशन पर था, इसलिए ये दोनों की वैल्यू लगभग लगभग क्या होती है, सेम। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के केस में सब जगह नहीं होता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के सॉल्यूशन में सी कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टेंस और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस लगभग सेम होता है। क्यों होता है, क्योंकि सी कंसंट्रेशन पर मान लिया सॉल्यूशन में क्या है, एक सर्टेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिजॉल्व होकर 10 आयन जनरेट कर रखे हैं, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर भी आपका 10 ही आयन रहेंगे, क्योंकि फर्दर क्वांटिटी डिजॉल्व नहीं होने वाला, ठीक है। जितना सी कंसंट्रेशन पर डिजॉल्व हुआ था उतना ही इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर भी डिजॉल्व रहेगा, ठीक है। इसलिए आपका नंबर ऑफ आयन सी कंसंट्रेशन पर जितना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर भी उतना ही, ठीक है। इससे लगभग लगभग दोनों की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, से अप्रोक्स का एग्जैक्ट नहीं होगा क्योंकि हल्का सा स्पीड में चेंजेस आ सकता है, लेकिन वो इतना क्या है ज्यादा बड़ा फैक्टर नहीं होगा कि वो इसमें बहुत बड़ा चेंजेस लाए, इससे इसकी जगह पे इसका आ जाएगा। एंड कंसंट्रेशन सी इज प्रोपोर्शनल टू, क्या लिख सकते हैं, सॉल्युबिलिटी के, ठीक है। सॉल्यूशन में जिसका जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी, सीधी सी बात है, जिस कंपाउंड को जितना ज्यादा आपका क्या है, सॉरी जिस कंपाउंड का सॉल्यूशन में जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा सॉल्युबिलिटी उसकी उतनी ज्यादा, जैसे 10 ग्राम डाला तो 1 ग्राम डिजॉल्व हुआ, 10 की जगह 20 ग्राम डालोगे तो 2 ग्राम डिजॉल्व होगा, 30 ग्राम डालोगे तो 3 ग्राम डिजॉल्व होगा। तो इसलिए कंपाउंड का सॉल्यूशन के अंदर जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा डिजॉल्व होने वाली क्वांटिटी दैट इज सॉल्युबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा। मैंने कहा 10 पर आपका 1 ग्राम डिजॉल्व हो रहा है तो 20 पर आपका 2 ग्राम डिजॉल्व होगा, तो सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन क्या होता है कितना अमाउंट आपने इसमें डाल रखा है, तो 10 ग्राम डाल रखा है तो 1 ग्राम डिजॉल्व हो रहा है तो 20 पर आपका 2 हो रहा है, तो इसका मतलब एक तरह से जितना ज्यादा कंसंट्रेशन लोगे स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का इस सॉल्यूशन के अंदर उतना ज्यादा क्या होगा, सॉल्युबिलिटी होगा, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर, ये हो गया 3 एंड ये हो गया 4, ठीक है। 3 एंड 4 से वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर लो तो कितना जगह पे देखिए, लैम्डा एम इंफिनिटी इसकी जगह पे ये पुट कर सकते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के सॉल्यूशन में, एंड सी की जगह पे सॉल्युबिलिटी पुट कर सकते हैं, के इनटू 1000 डिवाइडेड बाय सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, सॉल्युबिलिटी इक्वल टू के इनटू 1000 अपॉन लैम्डा एम इंफिनिटी,
ठीक हो गया। ये एक फॉर्मूला है भैया, इस फॉर्मूले में हमने पहले बता दिया k की वैल्यू कहां से, 1 अपॉन r इनटू x, x क्या होता है जो कंडक्टिविटी सेल होता है, कंडक्टिविटी सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को ले लो, दो इलेक्ट्रोड बना लो प्लैटिनम के, उनके बीच की डिस्टेंस l, उनका एक क्रॉस सेक्शन एरिया a, l अपॉन a अपॉन x कहते हैं, और इसको आप कनेक्ट करेंगे मीटर ब्रिज के साथ या व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ, तो वहां से आप क्या निकालते हैं रेजिस्टेंस r निकाल लेते हैं, तो यहां से इस फॉर्मूले से k निकल जाएगा आपका। देन दूसरा लैम्डा इनफिनिटी कहां से निकलेगा, ये कोल्ड लॉ से निकलेगा भैया, ठीक है, जिस स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की बात कर रहे हैं उसका लैम्डा इनफिनिटी क्या होगा, उसके कैटायन और उसके एनायन के आयनिक कंडक्टिविटीज का सम, जैसे AgCl होगा तो Ag+ और Cl नेगेटिव आयन का जो आयनिक कंडक्टिविटी होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, उनका सम करेंगे तो ये निकल जाएगा आपका, तो ये कोल्ड लॉ से निकलेगा के आपका ये 1 / r into x से कैलकुलेट हो जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट यहां से आपको ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका इसका दूसरा एप्लीकेशन है। देन थर्ड एप्लीकेशन पे आते हैं, देखिए तीसरा एप्लीकेशन है कोल्ड लॉज का, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑब्टेन करना, ठीक है, देखिए टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ इसको ऐसे लिख लें अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को किससे लिखना है अल्फा, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पूरा आयनाइज होता है तो वहां डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा 100, लेकिन कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट यदि है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझता है ना, उसका कितना फ्रैक्शन आपका सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएट हो रहा है वो कहलाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएट होने वाला फ्रैक्शन दैट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये कहते हैं आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इंफिनिटी, ठीक है, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक पर्टिकुलर सी कंसंट्रेशन पर लैम्डा एम मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस का जो रेशियो होता है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कहलाता है। तो इसमें से लैम्डा एम इंफिनिटी कैसे निकालेंगे, जैसे सपोज आपका CH3COOH आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका लैम्डा एम इंफिनिटी कैसे निकालेंगे, इसका आयनाइजेशन होगा तो क्या बनेगा CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, तो लैम्डा एम इंफिनिटी कैसे निकालते हैं, इसका एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट का ये क्या होगा, इसके आयंस का आयनिक कंडक्टिविटी का सम होगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लैम्डा इंफिनिटी फॉर एसिटेट प्लस लैम्डा इंफिनिटी ऑफ इसका एच प्लस, ठीक है, ये लैम्डा इंफिनिटी एसिटेट और एच प्लस ये दोनों वैल्यूज को कैसे निकालता हूं फर्स्ट वीडियो में सेकंड वीडियो के अंदर आपको डिफाइन कर चुके हैं, तो इन दोनों की वैल्यू से आप इसको निकालेंगे ये निकल जाएगा डिग्री ऑफ सॉरी लैम्डा एम इंफिनिटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी, कोई लैम्डा एम जीरो भी लिख सकते हैं, जीरो कंसंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन एक ही बात होता है, ठीक है, लैम्डा एम सी कहां से निकलेगा, इसके लिए फॉर्मूला होता है लैम्डा एम सी इक्वल टू के इनटू 1000 डिवाइडेड बाय सी कंसंट्रेशन, ठीक है, इस फॉर्मूले से लैम्डा एम सी को निकाल लेंगे और कोलराउज की हेल्प से ऐसे आप लैम्डा एम इंफिनिटी को निकालेंगे, इन दोनों का रेशियो करके आप क्या निकाल सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी आपका कोलराउज लॉ एक वीडियो के अंदर हम आपको अपलोड किए थे, दूसरे वीडियो में हम आपका इसका बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम इंफिनिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं जैसे ये इसको हम डिफाइन किए हैं सेकंड वीडियो के अंदर, थर्ड वीडियो में हम आपको दो एप्लीकेशंस इसके डिफाइन किए हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी मेजरमेंट और दूसरा एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है, देन दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आप कैसे मेजर कर सकते हैं, इन दोनों को आप कहां से इस थर्ड वीडियो की हेल्प से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा भैया कोल्ड लॉज पर बेस्ड क्या है, कोल्ड लॉज के इन एप्लीकेशंस पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल पार्ट को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, चलिए थैंक यू।